आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया 24 मीडिया। नमस्कार, वॉइस ऑफ इंडिया 24 मीडिया में आपका स्वागत है। आपको बता दूं कि लखीमपुर जिला में धर्मपुर कोई गांव है जहां पर एक गरीब महिला को अभी तक आवास नहीं मिला। हमारी रिपोर्टर माला निसार जब जमीन के सच दिखाने के लिए वहां पहुंचती है तो ये सीन देख करके वॉइस ऑफ किंग को भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि वॉइस ऑफ किंग 24 मीडिया सदैव आम जनता की आवाज और जमीन की एक हकीकत को दिखाने का काम करता है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। हमारा घर टूट गया है, हमारा कोई नहीं है, इसलिए हम बता रहे हैं कि मोदी जी प्रधान जी क्या कर रहे हैं, प्रधान जी कह रहे थे कि हम आपका घर बनवा देंगे। बना तो बना नहीं, और आपसे कोई कहा था घर बनवाने के लिए? जिला पंचायत कह रहे थे कि हमारा हम तुम्हारा घर बनवा देंगे, नहीं बनवाया, देखने भी नहीं आया कि हाँ कैसे हैं सब, कैसे नहीं। हमारे साल हो गया, बोला तीन साल, चार लड़कियां हैं। आपके बच्चे कितने हैं? हमारे चार लड़कियां हैं, एक लड़का है। उनके मतलब पढ़ाई लिखाई चल रही है कि नहीं? कहाँ से पढ़ाएंगे? हमारे पास पैसा वैसा नहीं है तो कहाँ से पढ़ाएंगे? सरकार हमें व्यवस्था दे ही नहीं रहा है, सरकार बता रहा था कि हम सब कुछ देंगे, जब सरकार की तरफ से कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ से पढ़ा लिखा लेंगे? यहाँ के प्रधान जी आपसे क्या कहते हैं? प्रधान जी कहते कि हाँ ठीक है, हम आपका घर बना देंगे। अभी तक आए? अभी एक बार भी प्रधान नहीं पूछे कि कैसे हो कैसे नहीं, आप बता रहे थे कि घर बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। बोलिए, मोदी जी कहाँ सब बना रहे हैं, हमको क्यों नहीं देख रहे हैं? मोदी जी बता रहे थे कि हम सबको देखेंगे, एक जैसे देखेंगे, हम उनको वोट दे के जिता देते हैं, जिताने के बाद मोदी जी भी भूल जाते हैं कि हाँ कोई इंसान हमारे भी मदद करता है, हम जीत जाते हैं, फिर भी नहीं बनाते हैं कुछ। और कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे बच्चों की कोई इतनी नहीं है, सहारा नहीं है, उम्मीद नहीं है, हम किसके पास रोने जाएंगे? और बताइए बताइए, हम क्या कहें? अब मोदी जी वोट लेने के लिए तैयार होते हैं, आते हैं वोट लेने, हम वोट नहीं देंगे मोदी जी के, हमारे कोई सुनाई नहीं तो हम वोट भी नहीं देंगे। यहाँ के सांसद विधायक से कुछ कहना चाहेंगे? कोई नहीं। कोई सांसद विधायक कोई नहीं सुनता है तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम जंगल विभाग के हैं, जंगल में जब बिजली दे देते हैं सरकार, टोटी लगा देते हैं, रोड की सुनवाई नहीं, कुछ भी की सुनवाई नहीं, कैसे हम वोट देंगे? हम वोट नहीं देंगे। बिल लेने के लिए टोटी लग गया और घर में हमारा कुछ। यहाँ की जो स्थिति आपको दिखा रहे हैं, इनके हस्बैंड खत्म हो गए हैं, तीन साल पहले सबने वादा किया कि हम आपका घर बनवा देंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपके सारी स्थिति को ठीक करेंगे। देखिए इनका घर कैसा है, घर की स्थिति देखिए, पूरा टूट गया है, टटिया मड़ी है, ये जो कटरेन रखा गया है, और हर कोई कहता है कि मतलब योगी हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी थे कहे थे कि हमको 60 महीना दो, हम एक भी मड़ई नहीं दिखने देंगे। तो ये देखिए, जिनका कोई सहारा नहीं, उनके घर का बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, तो जिनका सहारा है उनका कैसे चांस होगा? पूरा इनके इनकी चार लड़कियां हैं, एक लड़का वो भी छोटा है, बताइए कैसे गुजर करेंगी? एक अकेली महिला, आगे पीछे कोई नहीं है, फिर भी देखिए कैसे मतलब किस स्थिति में है। सब वादा करके तो चले जाते हैं लेकिन पूरा करने कोई नहीं आता है, ये स्थिति है हमारी, इसलिए तो जनता यहाँ की परेशान है, दुखी है या क्रोधित है, इसीलिए नेता ही वादा करके यहाँ की जो जनता है उनको भड़काते हैं। आगे आइए, दिखाते हैं इनके घर की स्थिति क्या है। आइए, देखिए ये विधवा महिला का जब घर नहीं बन पा रहा है, ये तो आम जनता का क्या बनवाएंगे, सरकार या प्रधानमंत्री? इनकी घर की स्थिति देखिए, पूरा का पूरा घर गिर चुका है, लेकिन कहते हैं जो यहाँ के प्रधान आश्वासन देने के लिए तो आ जाएंगे लेकिन बाद में पूछने के लिए नहीं आएंगे कि आप मर गए कि जी रहे हैं। इसलिए देखिए इधर से वोट लेने के लिए तो हर कोई वादा कर देता है लेकिन पूरा करने के लिए कोई नहीं आता।
घर नहीं। देखिए इनकी घर की स्थिति, और इधर इधर ये देखिए इनके घर की स्थिति कैसा है, देखिए हम इसी के साथ माला मैं इजाजत लूंगी, नमस्कार।